हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है मेरे प्रियजनों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा वीडियो है मेरे प्रियजनों। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियजनों। यदि आप परेशान हो चुके हो तो आज आपको परमेश्वर से बताना, आप पाप कर रहे, व्यभिचार कर रहे, नहीं छूट रहा है, व्यभिचार की लत में फंसे हुए हो तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। मेरा परमेश्वर आपको बंधनों से छुड़ाएगा, आज़ाद करेगा, शरापों से, बीमारियों से परमेश्वर आज़ाद करेगा मेरे प्रियजनों। क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं, आप देख ही रहे हो, जात पर जाते और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है, एक दूसरे को मारने में लगे हुए, गला काटने में लगे हुए, सता रहे, मार रहे हैं। तो मेरे प्रियजनों, हमें तैयार रहना है, अपनी तैयारी बना के रखना है, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो उसी को लेकर जाएगा मेरे प्रियजनों। जो तैयार होगा, जो उस समय प्रार्थना करता होगा, प्रार्थना में बना होगा, तैयारी बना के रखा होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी को यीशु मसीह स्वर्ग ले जाएगा, अनंत काल का जीवन देगा मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह का वचन कहता है, बुलाए गए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेरे प्रियजनों, बुलाए गए बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं, परमेश्वर उसी को ले जाएगा जो पवित्र होगा, जो अपनी चाल चलन में पवित्र होगा, ईमानदार होगा। भजन संहिता 1:1-2 वचन में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, क्योंकि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और वह परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, धन्य और पवित्र वह पुरुष है जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता है, पाप से, व्यभिचार से, बुराई से दूर रहता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक बताती है 5:27-30 वचन तक, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। मेरे प्रियजन, आपका हाथ पर गलत काम करवा रहा है मेरे प्रियजन, उसे हमें काट कर फेंकना है। हमें क्या काट कर फेंकना है? परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपकी संसारिक चीज़ें हैं उनको आपको छोड़ना है, ना कि आपको हाथ काटना है, ना पैर काटना है मेरे प्रियजन। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रियजन वचन साफ बता रहा, ऐसे ऐसे काम करने वाले, ऐसे ऐसे घिनौने काम करने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के प्रकोप के साथ कटोरे उंडेले जाएंगे, परमेश्वर के प्रकोप के साथ कटोरे उंडेले जाएंगे। वीडियो देखकर दिल दहल जाएगा। आज के इस समय में बहुत से लोग पाप में, बुराई में, व्यभिचार में जकड़े हुए हैं, वे जकड़े हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ, अभी समय है, सुधर जाओ। याद रखना, अगर आप चर्च जाते हो, बाइबल भी पढ़ते हो और पाप भरा जीवन जीते हो तो उससे कोई लाभ भी नहीं है मेरे प्रियजन, कोई लाभ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी तो अच्छा ही अच्छा नज़र आ रहा है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है पाप करने में, गंदे वीडियो देखने में। याद रखना, अगर अचानक यीशु मसीह आ गया और आप इसी तरह पाप करते करते मर गए अचानक, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा मेरे प्रियजनों? पाप कर रहे हो तो आप सोच कर देखो, अगर आप पाप कर रहे हो तो सोच कर देखो कि यीशु मसीह आपको स्वर्ग देगा, यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेकर जाएगा, यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। अरे परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को नहीं छोड़ा जिनके अंदर पाप उत्पन्न हुआ था, तो आप किस खेत की मूली हो, आप किस खेत की मूली हो? परमेश्वर आपको कैसे छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा? याद रखना, परमेश्वर के प्रकोप के साथ कटरे उंडेले जाएंगे उस 7 वर्ष में, जो यहाँ पर रह जाएंगे उनके लिए तो हाय हाय, कड़वा पानी पीना पड़ेगा, लहू पीना पड़ेगा। अभी समय है मेरे प्रियो, अभी समय है, अभी तो आपके पास टाइम है। बाइबल बताती है, एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बेहद ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। वो आत्मा मरने के बाद धनवान की साइड या अब्राहम की साइड चली जाएगी।
जाएगी उस समय। इसलिए अभी टाइम है मेरे प्रियो, अभी समय है, अभी वक्त है। बाइबल बताती है 21 अध्याय के प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पुंज को और उन सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। इसलिए बाइबल बताती है आप तैयार रहो, आप शैतान के वश में उसके पीछे मत जाओ, मत जाओ मेरे प्रियो, मत जाओ। ऐसा समय आएगा कि लोग उस समय मौत मांगेंगे, मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी, मौत नहीं आएगी मेरे प्रियो। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य, जैसे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 12 वचन में लिखा हुआ, 12 वचन से 17 वचन तक मैं पढ़ देता हूँ बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने एक बड़ा भुइंडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला हो गया और पूरा चंद्रमा लहू सा लाल हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसा बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक टापू और पृथ्वी के राजा हर एक टापू अपने अपने स्थान से टल गया और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपेंगे उस समय। और पहाड़ों से क्या कहेंगे आगे लिखा, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुँह से जो सिंहासन पर बैठा उसके मेमने के क्रोध से प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके क्रोध के प्रकोप का भयानक दिन अब आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है मेरे प्रियो। जब छठवीं मोहर खोली जाएगी तो हाय हाय जो यीशु मसीह के साथ नहीं जा पाएंगे, जो 7 साल के क्लेश काल में यहाँ पर रह जाएंगे, फंस जाएंगे, जितने लोग बड़े बड़े लोग हैं, प्रधान लोग हैं, धनवान लोग हैं, सामर्थी लोग हैं, जिनके पास धन है, दौलत है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, वे अंत के दिनों में अपने आप को बचाने के लिए चट्टानों की गड्ढों में, छेदों में, दरारों में जाकर छिपेंगे। वे लोग उस समय मौत मांगेंगे परंतु मौत नहीं आएगी। इतना तड़पाएगा परमेश्वर उन लोगों को जो उनकी सहनशीलता से बाहर होगा, जो परमेश्वर का कहर है, क्रोध है, बोलेंगे मुझे परमेश्वर के कहर से, क्रोध से छिपा लो, उसके कहर से छिपा लो मेरे प्रभु। अभी समय है, अभी वक्त है मेरे प्रभु। पाप बुराई व्यभिचार छोड़ दो और लौट आओ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। लौट आओ, आपके पाप मिटाए जाएंगे, पाप परमेश्वर आपके मिटा देगा मेरे प्रियो। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।